दोस्तों, जिनको भी महाभारत में इंटरेस्ट है या स्टोरी पढ़ना पसंद है, ये वीडियो उनके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो पे हमने नल दमयंती की कहानी का अंतिम पार्ट सुनाया था, जो वीरदस्यु मुनि बताते हैं युधिष्ठिर को, और वीरदस्यु मुनि जुए में कैसे जीते थे उसका रहस्य बताया युधिष्ठिर को, ठीक है, और अर्जुन के बारे में सोच रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने ये सब बात किया था। आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, ऊपर लिंक्स में दे दिया, या फिर वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे भी क्लिक करके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू करते हुए अर्जुन के लिए द्रौपदी सहित पांडवों की चिंता। तो जन्मेजय ने पूछा, भगवान, मेरे पितामह अर्जुन के काव्यक वन से चले जाने पर उनसे अलग हुए शेष पांडवों ने कौन सा कार्य किया? ये जन्मेजय अभिमन्यु का बेटा, अर्जुन का पोता पूछ रहे हैं वेदव्यास जी के शिष्य वैशंपायन जी से। और वे ये भी पूछ रहे हैं कि वे सैन्य विजयी महान धनुर्धर अर्जुन ही उन सब के आश्रय थे, जैसे आदित्यों में विष्णु है, वैसे ही पांडवों में मुझे धनंजय जान पड़ते हैं। वे संग्राम में कभी पीछे न हटने वाले और इंद्र के समान पराक्रमी थे। उनके बिना मेरे अन्य वीर पितामह वन में कैसे रहते थे? वैशंपायन जी कहते हैं, तात, सत्य पराक्रमी पांडु कुमार अर्जुन के काव्यक वन से चले जाने पर सभी पांडव उनके लिए दुख और शोक में मग्न रहने लगे, जैसे मणियों की माला का सूट टूट जाए अथवा पक्षियों के पंख कट जाए। वैसी दशा में उन मणियों और पक्षियों की जो अवस्था होती है, वैसे ही अर्जुन के बिना पांडवों की थी। उन सबके मन में तनिक भी प्रसन्नता नहीं थी। अनायासी महान कर्म करने वाले अर्जुन के बिना यह वन उसी प्रकार शोभा शून्य सा हो गया, जैसे कुबेर के बिना चित्ररथ वन। जन्मेजय, अर्जुन के बिना वे नरशेष पांडव आनंद शून्य हो काव्यक वन में रह रहे थे। भरत श्रेष्ठ, वे महारथी वीर शुद्ध बाणों द्वारा ब्राह्मणों के लिए पराक्रम करके नाना प्रकार के पवित्र मृगों को मारा करते थे। वे नरश्रेष्ठ और शत्रुदमन पांडव प्रतिदिन ब्राह्मणों के लिए जंगली फल मूल का आहार संग्रहित करके उन्हें अर्पित करते थे। राजन धनंजय के चले जाने पर वे सभी नरश्रेष्ठ वहाँ खिन्न चित्त हो उन्हीं के लिए उत्कंठित होकर रहते थे। विशेषतः पांचाल राजकुमारी द्रौपदी अपने मजलेपति अर्जुन का स्मरण करती हुई सदा उद्विग्न रहने वाले पांडव शिरोमणि युधिष्ठिर से इस प्रकार बोली, पांडव श्रेष्ठ, जो दो भुजा वाले अर्जुन सहस्त्र बाहु अर्जुन के समान पराक्रमी हैं, उनके बिना यह वन मुझे अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, यहाँ पे जो ये पांडव शिकार करते हुए बोला गया है, ठीक है, यहाँ पे बताया गया है मृग आदि मारा करते थे, वो क्या है वो यहाँ पे लिखा गया है, जिनके मारने पर मारने वाला पवित्र हो जाए, ऐसे हिंसक शीघ्र बाघ्रादि पशुओं को पवित्र मृग कहा जाता है। तो ये विशेषण इम्पोर्टेंट था, इसलिए बताया गया है। मैं यत्र तत्र यहाँ की जिस जिस भूमि पर दृष्टि डालती हूँ, सबको सुनी से ही पाती हूँ। यह अनेक आश्चर्य से भरा हुआ और विकसित कुसुमों से अलंकृत वृक्षों वाला काव्यक वन भी सव्यसाचु अर्जुन के बिना पहले जैसा रमणीय नहीं जान पड़ता। नीलमेघ के समान कांति और मत वाले गजराज की सी गति वाले उन कमल नयन अर्जुन के बिना यह काव्यक वन मुझे तनिक भी नहीं आता है। राजन, जिनके धनुष की टंकार बिजली की गड़गड़ाहट के समान सुनाई देती है, उन सव्यसाची की याद करके मुझे तनिक भी चैन नहीं मिलता। महाराज इस प्रकार विलाप करते हुए द्रौपदी की बात सुनकर शत्रुवीरों का संहार करने वाले भीमसेन ने उससे इस प्रकार कहा। भीमसेन बोले, भद्रे सुमध्य में तुम जो कुछ कहती हो वो मेरे मन को प्रसन्न करने वाला है। तुम्हारी बात मेरे हृदय को अमृत पान के तुल्य तृप्ति प्रदान करती है। जिनकी दोनों भुजाएं लंबी मोटी बराबर तथा परिक के समान सुशोभित होने वाली है, जिन पर प्रत्यंचा की रगड़ का चिन्ह बन गया है, जो गोलाकार है और जिनमें खड़ग एवं धनुष सुशोभित होते हैं सोने के भुजबंधों से विभूषित होकर, जो पाँच पाँच फन वाले दो सर्पों के समान प्रतीत होते हैं, उन पांचों उंगलियों से युक्त दोनों भुजाओं से विभूषित नरश्रेष्ठ अर्जुन के बिना आज यह वन सूर्यहीन आकाश के समान श्रीहीन दिखाई देता है।
जिन महाबाहु अर्जुन का आश्रय लेकर पांचाल और कुरुवंश के वीर युद्ध के लिए उद्यत देवताओं की सेना का सामना करने से भी भयभीत नहीं होते हैं, जिन महात्मा के बाहुबल के भरोसे हम सब लोग युद्ध में अपने शत्रुओं को पराजित और इस पृथ्वी का राज्य अपने अधिकार में आया हुआ मानते हैं, उन वीरवर अर्जुन के बिना हमें काव्यक वन में धैर्य नहीं प्राप्त हो रहा है। मुझे सारी दिशाएं अंधकार से आच्छंद सी दिखाई देती है। भीमसेन की ये बात सुनकर पांडुनंदन नकुल अश्रु से गदगद कंठ से बोले। नकुल ने कहा, जिस महावीर अर्जुन के विषय में रण प्रांगण में भीतर देवताओं के द्वारा भी दिव्य कर्मों का वर्णन किया जाता है, उन योद्धाओं में श्रेष्ठ धनंजय के बिना अब इस वन में हमें क्या प्रसन्नता है। जिन महातेज तेजस्वी ने उत्तर दिशा में जाकर महाबली मुख्य मुख्य गंधर्वों को युद्ध में परास्त करके उनसे सैकड़ों घोड़े प्राप्त किए, जो द्यूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर हार गए थे उसके बारे में बोल रहे हैं, जिन्होंने महायज्ञ राजसूय में अपने प्यारे भाई धर्मराज युधिष्ठिर को प्रेम पूर्वक वायु के समान वेगशाली तित्तिर कलमाक नामक सुंदर घोड़े भेंट किए थे, भीम के छोटे भाई उन भयंकर धनुर्धर देवोपम अर्जुन के बिना इस समय मुझे इस काव्यक वन में रहने की इच्छा नहीं होती। सहदेव ने कहा, जिन महारथी वीर ने पहले राजसूय महायज्ञ के अवसर पर युद्ध में जीत कर बहुत धन और कन्याएं महाराज युधिष्ठिर को भेंट की थी, जिन अनंत तेजस्वी धनंजय ने भगवान श्री कृष्ण की सम्मति से युद्ध के लिए एकत्र हुए सम्मत यादवों को अकेले ही जीतकर सुभद्रा का हरण किया था, महाराज उन्हीं विजयी भ्राता धनंजय के आसन को आप अपनी कुटिया में सुना देखकर मेरे हृदय को कभी शांति नहीं मिलती, अतः शत्रु दमन मैं इस वन में अन्यत्र चलना पसंद करता हूँ। वीरवर अर्जुन के बिना अब यह वन रमणीय नहीं लगता। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर युधिष्ठिर के पास देवर्षि नारद का आगमन और तीर्थ यात्रा के फल के संबंध में पूछने पर नारद जी द्वारा भीष्म पुलस्त्य संवाद की प्रस्तावना। विष्णुपेन जी कहते, जन्म जय धनंजय के लिए उत्सुक द्रौपदी सहित सब भाइयों के पूर्वोक्त वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर का भी मन उदास सा हो गया। इतने में ही उन्होंने देखा कि महात्मा देवर्षि नारद वहाँ उपस्थित हैं, जो अपने ब्रह्म तेज से दैवित्यमान ही घी की आहुति से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे हैं। उन्हें आया देख भाइयों से ही धर्मराज ने उठकर उन महात्मा का यथायोग्य सत्कार किया। अपने भाइयों से घिरे हुए अत्यंत तेजस्वी कुरुश्रेष्ठ श्रीमान युधिष्ठिर देवताओं से घिरे हुए देवराज इंद्र की भांति सुशोभित हो रहे थे। जैसे गायत्री चारों वेद का और सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का त्याग नहीं करती, उसी प्रकार यज्ञसेनी द्रौपदी ने भी धर्मज्ञ अपने पति कुंती कुमारों का परित्याग नहीं किया। निष्पाप जन्मे जय उनकी यह पूजा ग्रहण करके देवर्षि भगवान नारद ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर को उचित सांत्वना दी। तत्पश्चात वे महात्मा धर्मराज युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ नरेश, बोलो तुम्हें किस वस्तु की आवश्यकता है, मैं तुम्हें क्या दूँ। तब भाइयों सहित धर्मनंदन राजा युधिष्ठिर ने देवतुल्य नारद जी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा, महाभाग, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, संपूर्ण विश्व के द्वारा पूजित आप महात्मा के संतुष्ट होने पर मैं ऐसा समझता हूँ कि आपकी कृपा से मेरा सब कार्य पूरा हो गया। निष्पाप मुनि श्रेष्ठ, यदि भाइयों सहित मैं आपकी कृपा का पात्र हूँ तो आप मेरे संदेह को सम्यक प्रकार से नष्ट कर दीजिए। जो मनुष्य तीर्थ यात्रा में तत्पर होकर इस पृथ्वी की परिक्रमा करता है उसे क्या फल मिलता है, ये आप पूर्ण रूप से बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, राजन सावधान होकर सुनो, बुद्धिमान भीष्म जी ने महर्षि पुलस्त्य के मुख से ये सब बातें जिस प्रकार सुनी थी वो सब मैं तुम्हें बताता हूँ। तो मतलब भीष्म जी ने पुलस्त्य जी से काफ़ी ज्ञान की बातें सुनी थी जो वो अभी बताएंगे नारद जी। महाभाग, पहले की बात है, देवता और गंधर्वों में सेवित हरिद्वार तीर्थ में भागीरथी के पवित्र शुभ और देवर्षि सहित तट प्रदेश में श्रेष्ठ महात्मा भीष्म जी पितृ संबंधित सात तर्पण आदि व्रत का आश्रम ले महर्षि के साथ रहते थे। परम तेजस्वी भीष्म जी ने वहाँ शास्त्रीय विधि के अनुसार देवता और ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। कुछ समय के बाद जब महायशस्वी भीष्म जी जप में लगे हुए थे, अपने पास ही उन्होंने अद्भुत तेजस्वी मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य जी को देखा। वे उग्र तपस्वी महर्षि तेज से विद्यमान हो रहे थे
उन्हें देखकर भीष्म जी को अनुपम प्रसन्नता प्राप्त हुई तथा वे बड़े आश्चर्य में पड़ गए। भारत महात्माओं में श्रेष्ठ भीष्म जी ने वहाँ उपस्थित हुए महाभाग महर्षि को शास्त्र विधि से पूजन किया। उन्होंने पवित्र एवं एकाग्रचित्त होकर पुलस्त्य जी के दिए हुए अर्घ को सिर पर धारण करके उन ब्रह्मस्थि श्रेष्ठ पुलस्त्य जी को अपने नाम का इस प्रकार परिचय दिया। सुब्रत, आपका भला हो। मैं आपका दास भीष्म हूँ। आपके दर्शन मात्र से मैं सब पापों से युक्त हो गया, ऐसा भीष्म जी कह रहे हैं पुलस्त्य ऋषि को। महाराज युधिष्ठिर, धनुर्विद्या में श्रेष्ठ एवं वाणियों को संयम रखने वाले भीष्म ऐसा कहकर हाथ जोड़े चुप हो गए। कुरुकुल शिरोमणि भीष्म को नियम श्रद्धा तथा विदग्ध कर्मों के अनुष्ठान से दुर्बल हुआ देख पुलस्त्य मुनि मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, भीष्म जी के पूछने पर पुलस्त्य का अपने विभिन्न तीर्थों की यात्रा का महात्म्य बताना। तो तीर्थ कैसे होते हैं और उनकी महत्ता क्या है ये बताएंगे अभी। पुलस्त्य जी ने कहा, धर्मज्ञ, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग, तुम्हारे इस विनय, इंद्रिय संयम और सत्य पालन से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। निष्पापवश तुम्हारे द्वारा पितृभक्ति के आश्रित हो ऐसे उत्तम धर्म का पालन हो रहा है, इसी के प्रभाव से तुम मेरा दर्शन कर रहे हो और तुम पर मेरा बहुत प्रेम हो गया है। निष्पाप कुरुश्रेष्ठ भीष्म, मेरा दर्शन अमोघ है। बोलो, मैं तुम्हें तुम्हारे किस मनोरथ की पूर्ति करूं? तुम जो मांगोगे वही दूंगा। भीष्म जी ने कहा, महाभाग, आप संपूर्ण लोकों द्वारा पूजित हैं। आपके प्रसन्न हो जाने पर मुझे क्या नहीं मिला? आप जैसे शक्तिशाली महर्षि का मुझे दर्शन हुआ, इतने ही से मैं अपने को कृतकृत्य मानता हूँ। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महर्षि, यदि मैं आपकी कृपा का पात्र हूँ तो मैं आपके सामने अपना संयम संशय रखता हूँ, आप उसका निवारण करें। मेरे मन में तीर्थों से होने वाले धर्म के विषय में कुछ संशय हो गया है, मैं उसी का समाधान सुनना चाहता हूँ, आप बताने की कृपा करें। देवतुल्य महर्षि, जो तीर्थ के उद्देश्य से सारी पृथ्वी की परिक्रमा करता है उसे क्या फल मिलता है यह निश्चित करके मुझे बताइए। तो पुलस्त्य जी ने कहा, बस तीर्थ यात्रा ऋषियों के लिए बहुत बड़ा आश्रय है, मैं इसके विषय में तुम्हें बताऊंगा। तीर्थों के सेवन से जो फल होता है उसे एकाग्र होकर सुनो। जिनके हाथ पैर और मन अपने काबू में हो तथा जो विद्या तप और कीर्ति से संपन्न हो वही तीर्थ सेवन का फल पाता है। जो प्रतिग्रह से दूर रहे और जो कुछ अपने पास हो उसी से संतुष्ट रहे और जिसमें अहंकार का अभाव हो वही तीर्थ का फल पाता है। जो दम्भ आदि दोषों से दूर, कर्तव्य के अहंकार से शून्य, अल्पहारी और जितेंद्रिय हो, जितेंद्रिय मतलब जो अपने इंद्रियों को जीत लिया हो, इंद्रिया तो पता ही होगा आपको, आँख, कान, नाक, मुंह, मन, ये सब, वो सब पापों से विमुक्त हो तीर्थ के वास्तविक फल का भागी होता है। राजन, जिसमें क्रोध ना हो, जो सत्यवादी और दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाला हो तथा जो सब प्राणियों के प्रति आत्मभाव रखता हो वही तीर्थ के फल का भागी होता है। ऋषियों ने देवताओं के उद्देश्य से यथायोग्य यज्ञ बताए हैं और उन यज्ञ का यथावत फल ही बताया है, जो यह लोक और परलोक में भी सर्वथा प्राप्त होता है। परंतु भूपाल, दरिद्र मनुष्य उन यज्ञों का अनुष्ठान नहीं कर सकते क्योंकि उनमें बहुत सी सामग्री की आवश्यकता होती है। नाना प्रकार के साधनों का संग्रह होने से उनमें विस्तार बहुत बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये पुलस्त्य जी द्वापर युग के हिसाब से, मतलब उस समय के हिसाब से बोल रहे हैं, ठीक है। और उस समय पवित्र अग्नि होती थी, पवित्र सामग्री होते थे, ठीक है, और वो ला सकते थे धनवान मनुष्य। अभी तो ना अग्नि पवित्र है, ना वायु पवित्र है, एयर पोल्यूशन सब, तो यहाँ पे, लेकिन जो सीखने योग्य है वो आप समझिए। अतः राजा लोग अथवा कहीं कहीं कुछ समृद्धशाली मनुष्य ही यज्ञों का अनुष्ठान कर सकते हैं। जिनके पास धन की कमी और सहायकों का अभाव है, जो अकेले और साधन शून्य हैं, उनके द्वारा यज्ञों का अनुष्ठान नहीं हो सकता। योद्धाओं में श्रेष्ठ नरेश्वर, जो सत्कर्म दरिद्र लोग भी कर सके और जो अपने पुण्य द्वारा यज्ञों के समान फलप्रद हो सके, उसे बताता हूँ, सुनो। भरत श्रेष्ठ, यह ऋषियों का परम गोपनीय रहस्य है। तीर्थ यात्रा बड़ा पवित्र सत्कर्म है, वो यज्ञों से भी बढ़कर है। मनुष्य
इसीलिए दरिद्र होता है कि वो तीर्थों में 3 रात तक उपवास नहीं करता, तीर्थ की यात्रा नहीं करता और सुवर्णदान और गोदान नहीं करता। दोस्तों अभी फिर से समझिए, ये उस समय की तीर्थ यात्रा है और अभी की तीर्थ यात्रा में काफ़ी फर्क है। उस समय मनोकामना या तीर्थ के बदले कुछ मांगा नहीं जाता था। अभी पूजा या तीर्थ करने से पहले लोग मनोकामना करते हैं, कुछ मांग लेते हैं, ठीक है। तो उस समय के लोग कुछ मांगते नहीं थे, तीर्थ को अपना कर्म समझ के करते थे। तो ये उस समय के हिसाब से बताया जा रहा है, अगर तीर्थ के बदले कुछ मांग लिया जाए तो वो तीर्थ नहीं रह जाता। मनुष्य तीर्थ यात्रा से जिस फल को पाता है उसे प्रचुर दक्षिणा वाले अग्निहोत्र आदि यज्ञों द्वारा योजन करके भी नहीं पा सकता। मनुष्य लोक से देवातिदेव ब्रह्मा जी का त्रिलोक विख्यात तीर्थ है जो पुष्कर नाम से प्रसिद्ध है। उसमें कोई बड़भागी मनुष्य ही प्रवेश कर पाता है। महामते कुरुनंदन पुष्कर में तीनों समय 10 सहस्र कोटि या 10 खरब तीर्थों का निवास रहता है। विभो वहाँ आदित्य वसु रुद्र साध्य मरुदगण गंधर्व और अप्सराओं की भी नित्य सन्निधि रहती है। महाराज वहाँ तप करके देवता दैत्य और ब्रह्मर्षि महान पुण्यों से संपन्न हो दिव्य योग से युक्त होते हैं। जो मनुष्य पुरुष मन से भी पुष्कर तीर्थ में जाने की इच्छा करता है उसे स्वर्गलोक के प्रतिबंधक सारे पाप मिट जाते हैं और स्वर्गलोक में पूजित होता है। महाराज उस तीर्थ में कमलासन भगवान ब्रह्मा जी नित्य ही बड़ी प्रसन्नता के साथ निवास करते हैं। महाभाग पुष्कर में पहले देवता तथा ऋषि महान पुण्य से संपन्न हो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। जो वहाँ स्नान करता और तथा देवता और पितरों की पूजा में संलग्न रहता है उस पुरुष को अश्वमेध से 10 गुना फल प्राप्त होता है, ऐसा मनीषीगण कहते हैं। भीष्म पुष्कर में जाकर कम से कम एक ब्राह्मण को अवश्य भोजन कराएं। उस पुण्य कर्म से मनुष्य इहलोक और परलोक में भी आनंद का भागी होता है। मनुष्य साग फल तथा मूल जिसके द्वारा स्वयं प्राण यात्रा का निर्वाह करता है वही श्रद्धा भाव से दूसरे के दोष ना देखते हुए ब्राह्मण को दान करें। उसी से विद्वान पुरुष अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। निपश्रेष्ठ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो कोई भी महात्मा ब्रह्मा जी के तीर्थ में स्नान कर लेते हैं वे फिर किसी योनि में जन्म नहीं लेते। विशेषतः कृतमास की पूर्णिमा को जो पुष्कर तीर्थ में स्नान के लिए जाता है वो मनुष्य ब्रह्मधाम में अक्षय लोकों को प्राप्त होता है। भारत जो सायंकाल और प्रातःकाल हाथ जोड़कर तीनों पुष्कर का स्मरण करता है उसने मानो सब तीर्थों में स्नान और आचरण कर लिया। स्त्री अथवा पुरुष ने जन्म से लेकर वर्तमान अवस्था तक जितने भी पाप किए हैं पुष्कर तीर्थ में स्नान करने मात्र से वे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ये भी उस समय के हिसाब से ही कह रहे हैं। राजन विष्णु सब देवताओं के आदि हैं वैसे ही पुष्कर सब तीर्थों का आदि कहा जाता है। पुष्कर में पवित्रता पूर्वक संयम नियम के साथ 12 वर्षों तक निवास करके मानव संपूर्ण यज्ञों का फल पाता और ब्रह्मलोक को जाता है। जो पूरे 100 वर्षों तक अग्निहोत्र करता है और जो कार्तिक की एक ही पूर्णिमा को पुष्कर में वास करता है दोनों का फल बराबर है। 3 शूद्र पर्वत शिखर 3 सोते और 3 पुष्कर के आदि सिद्ध तीर्थ हैं। ये कब किस कारण से तीर्थ माने गए इसका हमें पता नहीं है। पुष्कर में जाना अत्यंत दुर्लभ है, पुष्कर में तप अत्यंत दुर्लभ है, पुष्कर में दान देने का सुयोग तो और भी दुर्लभ है और उसमें निवास का सौभाग्य तो अत्यंत ही दुष्कर है। वहाँ इंद्रिय संयम और नियमित आहार करते हुए 12 रात रहकर तीर्थ की परिक्रमा करने के पश्चात जम्मू मार्ग हो जाए। जम्मू मार्ग देवता और ऋषियों और पितरों से सेवित तीर्थ हैं। उसमें जाकर मनुष्य समस्त मनोवांछित भोगों से संपन्न हो अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। वहाँ 5 रात निवास करने से मनुष्य का अंतकरण पवित्र हो जाता है, उसे कभी दुर्गति नहीं प्राप्त होती, वो उत्तम सिद्धि पा लेता है। जम्मू मार्ग से लौटकर मनुष्य तिंदुलिका आश्रम को जाए, इससे वह दुर्गति में नहीं पड़ता और अंत में ब्रह्मलोक को चला जाता है। राजन जो अगस्त्य सरोवर जाकर देवताओं और पितरों के पूजन में तत्पर हो 3 रात उपवास करता है वो अग्निहोत्र यज्ञ का फल पाता है।
जो शाकाहार या फलाहार करके वहाँ रहता है वो परम उत्तम कुमार लोक कार्तिक के लोक में जाता है। वहाँ से लोक पूजित कव्य के आश्रम में जाए जो भगवती लक्ष्मी द्वारा सेवित है। भरत श्रेष्ठ वो धर्मात्मा कहलाता है, उसे परम पवित्र एवं अदितीर्थ माना गया है। उसमें प्रवेश करने मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। जो वहाँ नियम पूर्वक मिताहारी होकर देवताओं और पितरों की पूजा करता है वो संपूर्ण कामनाओं से संपन्न यज्ञ का फल पाता है। तदंतर उस तीर्थ की परिक्रमा करके वहाँ से यजाति पतन नामक तीर्थ में जाए। वहाँ जाने से यात्री को अवश्य ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वहाँ से महाकाल तीर्थ को जाए, वहाँ नियम पूर्वक रहकर भोजन नियमित भोजन करें। वहाँ काटी तीर्थ में आचरण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वहाँ से धर्मज्ञ पुरुष भगवान शिव के उस तीर्थ में जाए जो तीनों लोकों में भद्रवट नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ भगवान शिव का निकट से दर्शन करके नरश्रेष्ठ यात्री 1,000 गोदान का फल पाता है और महादेव जी के प्रसाद से वो गणों का आधिपत्य प्राप्त कर लेता है। जो आधिपत्य भारी समृद्धि और लक्ष्मी से संपन्न तथा शत्रुजनित बाधा से रहित होता है। तो उस समय ये हुआ करता था, क्योंकि उस समय के लोगों की समझदारी, मन के चेतना सब अलग हुआ करते थे, ठीक है। इसलिए वहाँ से त्रिभुवन विख्यात नर्मदा नदी के तट पर जाकर देवताओं और पितरों का तर्पण करने से अग्निहोत्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इंद्रियों को काबू में रखकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दक्षिण समुद्र की यात्रा करने से मनुष्य अग्निहोत्र यज्ञ का फल और विमान पर बैठने का सौभाग्य पाता है। इंद्रिय संयम या स्वच्छ संतोष आदि से पालन पूर्वक नियमित आहार का सेवन करते हुए चंबल नदी में स्नान आदि करने से राजा रंतिदेव द्वारा अनुमतित अग्निहोष्ट यज्ञ का फल प्राप्त होता है। धर्मज्ञ युधिष्ठिर वहाँ से आगे हिमालय पुत्र अर्बुद आबू की यात्रा करें जहाँ पहले पृथ्वी में विवर था। वहाँ महर्षि वरिष्ठ का त्रिलोक विख्यात आश्रम है जिसमें एक रात रहने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। नरश्रेष्ठ पिंड तीर्थ में स्नान एवं आचमन करके ब्रह्मचारी एवं जितेंद्रिय मनुष्य 100 कपिलों के दान का फल प्राप्त कर लेता है। राजेंद्र तदंतर उत्तम प्रभास तीर्थ में जाए। वीर उस तीर्थ में देवताओं के मुख्य स्वरूप भगवान अग्निदेव, जिसके सारथी वायु हैं, सदा निवास करते हैं। उस तीर्थ में स्नान करके शुद्ध एवं संयत चित्त हो मानव अतिरात्र और अग्निहोष्ट यज्ञ का फल पाता है। तदंतर सरस्वती और समुद्र के संगम में जाकर स्नान करने से मनुष्य सहस्त्र गोदान का फल और स्वर्गलोक पाता है। वरश्रेष्ठ वो पुण्यात्मा पुरुष अपने तेज से सदा अग्नि की भांति प्रकाशित होता है। मनुष्य शुद्धचित हो जलों के स्वामी वरुण के तीर्थ समुद्र में स्नान करके वहाँ 3 रात रहे और प्रतिदिन नहाकर देवताओं तथा पितरों का वरण करे। ऐसा करने वाला यात्री चंद्रमा के समान प्रकाशित होता है, साथ ही उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वरश्रेष्ठ वहाँ से वरदान तीर्थ में जाए। युधिष्ठिर यह वो स्थान है जहाँ मुनिवर दुर्वासा ने श्री कृष्ण को वरदान दिया था। वरदान तीर्थ में स्नान करने से मानव सहस्त्र गोदान का फल पाता है। वहाँ से तीर्थ यात्री को द्वारका जाना चाहिए। वो नियम से रहें और नियमित भोजन करें। पिंडार का तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को अधिकाधिक सुवर्ण की प्राप्ति होती है। महाभाग उस तीर्थ में आज भी कमल के चिन्हों से चिन्हित सुवर्ण मुद्राएं देखी जाती है। शत्रुदमन यह एक अद्भुत बात है। पुरुष रत्न कुरुनंदन जहाँ त्रिशूल से अंकित कमल दृष्टिगोचर होते हैं वही महादेव जी का निवास है। भारत सागर और सिंधु नदी के संयम में जाकर वरुण तीर्थ में स्नान करके शुद्धचित हो देवों ऋषियों और पितरों का तर्पण करें। भरत कुल तिलक ऐसा करने से मनुष्य दिव्य दीप्ति से दैवत्यमान वरुण लोक को प्राप्त होता है। युधिष्ठिर वहाँ शंकर्ण कर्णेश्वर शिव की पूजा करने से मनुष्य पुरुष अश्वमेध से इस गुने 10 गुने फल की प्राप्ति बताते हैं। भरतवंश कुरुश्रेष्ठ उनकी परिक्रमा करके त्रिभुवन विख्यात दमी नामक तीर्थ में जाए जो सब पापों को नाश करने वाला है। वहाँ ब्रह्मा आदि देवता भगवान महेश्वर की उपासना करते हैं। वहाँ स्नान जलपान
और देवताओं से घिरे हुए रुद्रदेव का दर्शन पूजन करने से स्नानकर्ता पुरुष के जन्म से लेकर वर्तमान समय तक के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नरश्रेष्ठ भगवान दमी का सभी देवता स्तवन करते हैं। पुरुष सिंह वहाँ स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। महाप्राज्ञ नरेश सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने पहले दैत्य दानवों का वध करके इसी तीर्थ में जाकर लोक संग्रह के लिए शुद्धि की थी। धर्मज्ञ वहाँ से वसुधा तीर्थ में जाएं, जो सबके द्वारा प्रशंसित है। वहाँ जाने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कुरुश्रेष्ठ वहाँ स्नान करके शुद्ध और समाचित होकर देवताओं और पितरों का तर्पण करके करने से मनुष्य विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। भरत श्रेष्ठ उस तीर्थ में वसुओं का पवित्र सरोवर है, उसमें स्नान और जलपान करने से मनुष्य वसु देवताओं का प्रिय होता है। नरश्रेष्ठ वही सिंधुत्तम नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। उसमें स्नान करने से प्रचुर स्वर्ण राशि की प्राप्ति होती है। भद्र तिंगुत्ति तीर्थ में जाकर पवित्र एवं सुशील पुरुष ब्रह्म लोक में जाता और वहाँ उत्तम गति पाता है। शत्रु कुमारी का तीर्थ सिद्ध पुरुषों द्वारा सेवित है। वहाँ स्नान करके मनुष्य शीघ्र ही स्वर्गलोक प्राप्त कर लेता है। वही सिद्ध सेवित रेणुका तीर्थ है, जिनमें स्नान करके ब्राह्मण चंद्रमा के समान निर्मल होता है। तदंतर शौच संतित आदि नियम का पालन और नियमित भोजन करते हुए पद्मनाभ तीर्थ में जाकर मनुष्य पंचम महायज्ञ का फल पाता है, जो कि शास्त्रों में क्रमशः बतलाए गए हैं। राजेंद्र वहाँ से भीमा के उत्तम स्थान की यात्रा करे। भरतश्रेष्ठ वहाँ योनि तीर्थ में स्नान करके मनुष्य देवी का पुत्र होता है। उसकी अंग कांति तपाए हुए सुवर्ण कुंडल के समान होती है। राजन उस तीर्थ के सेवन से मनुष्य को सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। दूसरा मैं बहुत सारा तीर्थ हुआ करता था, उसी को बता रहे हैं। त्रिभुवन विख्यात श्रीकुंड में जाकर ब्रह्मा जी को नमस्कार करने से सहस्त्र गोदान का फल होता है, प्राप्त होता है। धर्मज्ञ वहाँ से परम उत्तम विमल तीर्थ का यात्रा करें, जहाँ आज भी सोने और चांदी के रंग की मछलियाँ दिखाई देती है। उसमें स्नान करने से मनुष्य शीघ्र ही इंद्रलोक को प्राप्त होता है और सब पापों से शुद्ध हो परम गति को प्राप्त कर लेता है। भारत झेलम में जाकर वहाँ देवताओं और पितरों का तर्पण करने से मनुष्य को वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कश्मीर में ही नागराज तक्षक का वितस्ता नाम से प्रसिद्ध भवन है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। वहाँ स्नान करने से मनुष्य निश्चय ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त करता है और सब पापों से शुद्ध हो उत्तम गति का भागी होता है। वहाँ से त्रिभुवन विख्यात पड़वा तीर्थ को जाए। वहाँ पश्चिम संध्या के समय विधिपूर्वक स्नान और आचमन करके अग्निदेव को यथाशक्ति चारु निवेदन करे। वहाँ पितरों के लिए दिया हुआ दान अक्षय होता है, ऐसे मनुष्य पुरुष कहते हैं। राजन वहाँ देवता ऋषि पितर गंधर्व अप्सरा गहु किन्नर यक्ष सिद्ध विद्याधर मनुष्य राक्षस दैत्य रुद्र ब्रह्मा इन सब ने नियम पूर्वक सहस्त्र वर्षों के लिए उत्तम दीक्षा ग्रहण करके भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए चारु अर्पण किया। ऋग्वेद के सात-तात मंत्रों द्वारा सबने चारु की सात-तात आहुतियाँ दी और भगवान केशव को प्रसन्न किया। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अष्टगुण ऐश्वर्य अर्थात अनिमा आदि 8 सिद्धियाँ प्रदान की। महाराज तत्पश्चात उनकी इच्छा के अनुसार अन्यान्य वर देकर भगवान केशव वहाँ से उसी प्रकार अंतर्धान हो गए जैसे मेघों की घटा में बिजली तिरोहित हो जाती है। भारत इसीलिए वो तीर्थ तीनों लोकों में सप्तचारु के नाम से विख्यात है। वहाँ अग्नि के लिए दिया हुआ चारु 1,00,000 गोदान 100 राजसु यज्ञ और सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक कल्याणकारी है। राजेंद्र वहाँ से लौटकर रुद्रपद नामक तीर्थ में जाए। वहाँ महादेव जी की पूजा करके तीर्थयात्री पुरुष अश्वमेध का फल पाता है। राजन एकाग्रचित हो ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक मणिमान तीर्थ में जाए और वहाँ 1 रात निवास करे। इससे अग्निहोष्ट यज्ञ का पालन होता है, अष्ट यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भरतवंश शिरोमणि राजेंद्र वहाँ से लोक विख्यात देवी तीर्थ की यात्रा करें। वहाँ ब्राह्मणों की उत्पत्ति सुनी जाती है। वहाँ त्रिशूल पानी भगवान शिव का स्थान है, जिसकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि है।
देविका में स्नान करके भगवान महेश्वर को लोगों पूजन और उन्हें यथाशक्ति चारों निवेदन करके संपूर्ण कामना से समृद्ध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। वहाँ भगवान शंकर का देव सेवित काम तीर्थ है भारत, उनमें स्नान करके मनुष्य शीघ्र मनोवांछित सिद्ध प्राप्त कर लेता है। वहाँ यजन याजन तथा देवों वेदों का श्रद्धा करके अथवा वहाँ की चालू पुष्प एवं जल का स्पर्श करके मृत्यु को प्राप्त हुआ पुरुष शोक से पार हो जाता है। वहाँ 5 योजन लंबी और आधा योजन चौड़ी पवित्र वेदिका है, जिसका देवता तथा ऋषि मुनि भी सेवन करते हैं। धर्मज्ञ वहाँ से क्रमशः दीर्घ सत्र नामक तीर्थ में जाए। वहाँ ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और महर्षि रहते हैं। वे नियम पूर्वक व्रत का पालन करते हुए दीक्षा लेकर दीर्घ सत्र की उपासना करते हैं। शत्रु का दमन करने वाले भरतवंशी राजेंद्र वहाँ की यात्रा करके मात्र के मनुष्य राशियों और अश्वमेध यज्ञ के समान फल पाता है। तदंतर स्वच्छ संतोषादि नियम के पालन और नियमित आहार ग्रहण करते हुए दिन शन तीर्थ में जाए, जहाँ मेरु पृष्ठ पर रहने वाली सरस्वती आदेश भाव से बहती है। वहाँ चामोस शिवोदय और नागोदय तीर्थ में सरस्वती का दर्शन होता है। सोम दैदित्य में स्नान करने से अग्निहोष्ट यज्ञ का फल प्राप्त होता है। शिव दैत्य में स्नान करके मनुष्य सहस्त्र गोदान का फल पाता है। नागोदय तीर्थ में स्नान करने से उसे नागलोक की प्राप्ति होती है। राजेंद्र शशियान नामक तीर्थ अत्यंत दुर्लभ है, उसमें जाकर स्नान करें महाराज भारत। वहाँ सरस्वती नदी में प्रतिवर्ष कार्तिकी की पूर्णिमा का यश खरगोश के रूप में छिपे हुए पुष्कर तीर्थ में देखे जाते हैं। भरतश्रेष्ठ नरभाग्य वहाँ स्नान करके मनुष्य सदा चंद्रमा के समान प्रकाशित होता है। भरत कुल तिलक उसे सहस्त्र गोदान का फल भी मिलता है। कुरुनंदन वहाँ से कुमार कोटि तीर्थ में जाकर वहाँ नियम पूर्वक स्नान करें और देवता तथा पितरों के पूजन में तत्पर रहें। ऐसा करने से मनुष्य 10,000 गोदान का फल पाता है और अपने कुल का उद्धार कर लेता है। धर्मज्ञ वहाँ से एकाग्रचित हो रुद्रकोटि तीर्थ में जाए महाराज। रुद्रकोटि वह स्थान है जहाँ पूर्वकाल में 1 करोड़ मुनि बड़े हर्ष में भरकर भगवान रुद्र के दर्शन की अभिलाषा से आए थे। भारत भगवान वृषभध्वज का दर्शन पहले मैं करूँगा ऐसा संकल्प करके वे महर्षि वहाँ के लिए प्रस्थित हुए थे। राजन तब योगेश्वर भगवान शिव ने भी योग का आश्रय ले उस सुधात्मा महर्षि के शोक की शांति के लिए करोड़ों शिवलिंग की सृष्टि कर दी, जो उन सभी शिष्यों के आगे उपस्थित थे। इससे उन सब ने अलग अलग भगवान का दर्शन किया। राजन उन सुचेता मुनियों की उत्तम भक्ति से संतुष्ट हो महादेव जी ने उन्हें वर दिया। महर्षि आज से तुम्हारे धर्म की उत्परत्त बुद्धि होती रहेगी। नरेश्वर उस रुद्र कोटि में स्नान करके शुद्ध हुआ मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और अपने कुल का उद्धार कर देता है। राजेंद्र तदंतर परम पुण्यमय लोक विख्यात सरस्वती संगम तीर्थ में जाए। वहाँ ब्रह्मा आदि देवता और तपस्या के धनी महर्षि भगवान केशव की उपासना करते हैं। राजेंद्र वहाँ लोक चित्र शुक्ल चतुर्दशी को विशेष रूप से जाते हैं। पुरुष सिंह वहाँ स्नान करने से प्रचुर सुवर्ण राशि की प्राप्ति होती है और सब पापों से शुद्धचित होकर मनुष्य ब्रह्मलोक को जाता है। नरेश्वर जहाँ ऋषियों के सत्र समाप्त हो हुए हैं, वहाँ अब शांति तीर्थ में जाकर मनुष्य सहस्त्र गोदान का फल पाता है। तो दोस्तों ये थी आज की चैप्टर, आशा करता हूँ पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर पे। कुरुक्षेत्र की सीमा में स्थित अनेक तीर्थ की महत्ता का वर्णन।